सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी दर में वृद्धि को लेकर भारत चीन से पिछड़ गया है। कृषि, उद्योग और विनिर्माण सेक्टर में कमजोर प्रदर्शन के चलते वित्त वर्ष 2018-19 की चौथी तिमाही में देश की आर्थिक वृद्धि दर धीमी पड़ी है और 5 साल के निचले स्तर यानी 5.8% पर पहुंच गई है। सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी दर में ये वृद्धि साल 2014-15 के बाद सबसे धीमी है। इससे पहले वित्त वर्ष 2013-14 में जीडीपी दर 6.4% रही थी, वहीं चौथी तिमाही में जीडीपी दर चीन की आर्थिक वृद्धि दर 6.4% से भी कम रही। इस लिहाज से चौथी तिमाही में भारत आर्थिक वृद्धि के लिहाज से चीन से पीछे रह गया। इसके साथ ही कांग्रेस ने जीडीपी गिरने पर सरकार पर निशाना साधना शुरू कर दिया है। कांग्रेस पार्टी ने कहा कि आशा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इस समस्या का समाधान निकालने के लिए कारगर कदम उठाएंगे। इसी इन्हीं मुद्दों पर हमने चुनाव जनता के बीच में रखे, सत्य उनके सामने रखा था। आज खुशी के दिन है कि कम से कम सरकार ने जो फिगर्स हमने जनता के बीच में रखे थे वो सच्चाई वाले फिगर्स थे। आज सरकार ने वो सच्चाई देश के सामने प्रस्तुत की। सरकार अभी बनी है, जनता ने उनको भारी बहुमत दी है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि बेरोजगारी और इकोनॉमी पर ये सरकार जो अभी बनी है पूरा ध्यान देगी, क्योंकि बेरोजगारी जैसे आपने स्वयं कहा 45 वर्षों में सबसे खराब स्थिति पर है और जो जीडीपी है 5 सालों में सबसे खराब स्थिति में भी बन के उभर के आई है। तो ये दोनों चीज़ हैं जिस पर सरकार को पूरा ध्यान देना चाहिए और इसको बेरोजगारी के लिए जो भी कदम है उनको उठाने चाहिए और हम एक विपक्ष के तरह से उनका सहयोग इसमें अवश्य करेंगे। देखिए, ये डाटा जो है वो इलेक्शन से पहले ही आ गया था और मुख्तलिफ सोर्सेज से इस पर अखबारों के अंदर पूरी रिपोर्ट्स भी शाया हुई कि NSSO के सोर्सेज से ये खबर आई थी, किसी ने लीक किया था डाटा, लेकिन सरकार ने उसको छुपा के रखा हुआ था। आज जब सरकार दोबारा पावर में आ गई है तो NSSO ने जो डाटा रिलीज़ किया है उसके नतीजे में ये चीज़ें सामने आई हैं और मैं कहूँगा कि सर मुंडाते ही ओले पड़े हैं, चूँकि सरकार पिछले 5 साल में उन्हीं की थी और इस 5 साल के अंदर मोदी जी ने जो बड़े बड़े वादे किए थे वो इन दो डाटा से साबित हो गए कि पिछली सरकार ने कोई काम नहीं किया और जाहिर है कि अब इसको रिपेयर करने की कोशिश की जाएगी और शायद थोड़ी सी कोशिश शुरू भी हो गई है। इस क्वार्टर की विकास दर बहुत ही निराशाजनक रही है और पिछले 5 साल की लोएस्ट विकास दर है। तो विकास को बढ़ने की तो आप बात छोड़ दीजिए, NDA की सरकार की जो पॉलिसीज हैं उसके हिसाब से अब डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ेंगे, बेरोजगारी बढ़ेगी और जो अत्याचार हैं गरीबों के ऊपर वो बढ़ेंगे, SC ST के ऊपर एट्रोसिटीज़ बढ़ेंगी, यहाँ बढ़ोतरी होगी, विकास दर की बढ़ोतरी छोड़ दीजिए, भूल जाएगी। आपको बता दें कि केंद्रीय सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2018-19 की शुरुआत में अर्थव्यवस्था बेहतर प्रदर्शन कर रही थी। पहली तिमाही में जहां ग्रोथ 8.0% रहा, वहीं दूसरी तिमाही आते आते मंदी का असर दिखने लगा तो तीसरी तिमाही में 6.6% और चौथी तिमाही में 5.8% पर आ गई। वहीं इकोनॉमिक एक्सपर्ट शरद कोहली का मानना है कि देश में चुनावों के आने पर देश में इंडस्ट्री डाउन हो जाती है और अब देश में नई सरकार के गठन के बाद जीडीपी में बढ़ोतरी की उम्मीद की जा सकती है। तो और अमेरिका और चाइना दो जो दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है वो इससे प्रभावित है। तो एक तो ये अंतर्राष्ट्रीय कारण है और भारत दुनिया का एक हिस्सा है, विश्व का हिस्सा है, तो भारत उससे अछूता नहीं रह सकता। दूसरा कारण मैं मानता हूँ जो इस पर्टिकुलर क्वार्टर की जो लो आई है कि 10 मार्च को मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट डिक्लेयर हो गया था। तो ये देखा गया है, पिछले भी अगर चुनाव जब आम चुनाव होते हैं आप देखें तो उससे पहले जो पूंजी निवेश होता है वो कम हो जाता है,
जो पूंजीपति हैं, जो भी बिजनेस कोई नया शुरू करना है, किसी ने फैक्ट्री लगानी है, कोई रियल एस्टेट प्रोजेक्ट शुरू होना है, उन सब में लोग उसको रोक देते हैं, क्योंकि वो देखते हैं कि नीतियों में कोई बदलाव ना आए। हो सकता है कि कोई सरकार ऐसी नई नीति ले आए, कौन सी सरकार आए इस पर भी अटकलें बनी रहती हैं, तो इसकी वजह से एक स्लो डाउन हो जाता है। तो एक ये भी कारण है। दूसरा, हम पिछले कुछ एक दो साल से भी देख रहे हैं कि मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी में कमी आई है, मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी में कमी, इंडस्ट्रियल आउटपुट भी नीचे चली गई है, उसकी वजह से कंजम्पशन भी नीचे आ गया। तो देखिए, ये सब आर्थिक दृष्टि से देखें तो सब जुड़े हुए फैक्टर्स हैं। अगर लोगों की जेब में, अब सरकार जो नई सरकार आई है, उसको अगर लोगों की जेब में पैसा डाले किसी तरह, जिसको पब्लिक स्पेंडिंग के माध्यम से, इंफ्रास्ट्रक्चर पुश के माध्यम से, जब देश में पैसा आएगा, देश में पैसे का सर्कुलेशन बढ़ेगा, उसके बढ़ने से लोगों के जेब में पैसा जाएगा, उससे डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ने से मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी बढ़ेगी, बिजनेस एक्टिविटी बढ़ेगी, टैक्स की कलेक्शन बढ़ेगी, तो सारा कुछ ये इंटर रिलेटेड होता है, जिसकी वजह से ये स्लो डाउन है। तो मुझे लग रहा है नई सरकार ने जो अपना 100 दिन का एजेंडा निकाला है कि हम 100 दिन के अंदर, उन्होंने उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, चाहे वो रोजगारी पे बात है, कृषि क्षेत्र पे बात। दरअसल चौथी तिमाही में विभिन्न क्षेत्र के औद्योगिक उत्पादन में गिरावट और सरकारी खर्च में कटौती के कारण ग्रोथ को झटका लगने की आशंका पहले से ही जताई जा रही थी, लेकिन ग्रोथ रेट के 6% से भी नीचे गिरने की उम्मीद किसी को नहीं थी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुलिस्तान न्यूज़।